नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक में बहुत बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है किसानों से, और उन्होंने साथ ही साथ इस चीज को भी साफ किया कि 26 जनवरी की घटना के बाद से किसान आंदोलन में, जो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी उसमें जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद देश का मूड बदल गया है, लेकिन सरकार का मूड अभी नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव पहले दिए गए थे, जो ऑफर पहले दिए गए थे, वो अभी भी बरकरार है। किसान उस पर चिंतन करें, और किसान अभी भी जो बातचीत के जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसान जो है उनसे बात कर सकते हैं, वो चर्चा के लिए अभी भी तैयार है। उन्होंने साथ ही साथ इस चीज को भी साफ किया कि उनके कृषि मंत्री सिर्फ एक फोन कॉल दूर है किसानों से, और चीजें अभी भी सही हो सकती है। तो प्रद्युम्न, अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कह दी, तो किसानों को भी थोड़ा सा लचर होने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, ऐसे में इशारों में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है और ये बात अपनी किसानों तक भी पहुंचा दी है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये चीज बोली है तो ऐसे में राकेश टिकैत ने भी ये साफ कर दिया है कि हम उस फैसले का, उनकी बात का सम्मान करते हैं और हम भी तैयार है बात करने के लिए। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अब की जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसमें शायद किसान अब झुकेंगे और समझौता शायद उसमें कुछ निकल पाए, क्योंकि करीब 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है। लेकिन जो 26 जनवरी की जो घटना घटित हुई है उसके बाद जरूर ये कहा जा सकता है कि किसानों का जो आंदोलन है उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिली है। अब वो जोश नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फिर से किसान वहां पर पहुंच रहे हैं तो ताकत मिलना स्वाभाविक रूप से फिर से एक बार सुचारू रूप से शुरू भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा फर्क यहाँ पर आया है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी, खुद एक प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल देते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पे है, तो उनका मतलब यह है कि आप बात करिए और समझौता कीजिए। तो ऐसे में राकेश टिकैत ने भी बोल दिया है, अब देखने वाली बात यह होगी और ये चीज समय दिखला देगा, क्योंकि राकेश टिकैत भी अब झुक रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ समझौता निकले और ये आंदोलन समाप्त हो जाए। जी बिल्कुल, इससे प्रधानमंत्री मोदी के बयान से जो सबसे समझने वाली चीज है वो ये है कि अफवाहों का जो दौर शुरू हो गया था, ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि सरकार की तरफ से बातचीत पर रोक लग सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि बातचीत में रोक नहीं लगेगी, चर्चा जारी रहेगी, प्रस्ताव वहीं बरकरार है, जो ऑफर किसानों को दिया गया था वो अभी भी जारी है और जो प्रस्ताव है उस पर किसान सोच सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के बयान से एक जो पूरे आंदोलन में एक नया मोड़ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो टॉप हायरार्की है उन्होंने अब सीधे कह दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत से ही हल निकलेगा। देखिए प्रद्युम्न, किसी भी आंदोलन में हट से तो हल नहीं निकल सकता। बिल्कुल, हल निकलता है बातचीत से। आप सड़क पर हिंसा करेंगे, हल नहीं निकलेगा। आप सड़क पर डेरा जमा कर रखेंगे, उससे हल नहीं निकलेगा, सिर्फ डेडलॉक की स्थिति बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो अब किसानों को भी चाहिए कि वो एक कदम आगे बढ़े और बातचीत के जो रास्ते हैं उनको खोलने की कोशिश करें। अगर आप अपनी हट पर बरकरार रहते हैं कि नहीं, हमने जो बोल दिया है वही होना है, तो ऐसे में सरकार भी अगर अपनी हट पर आ गई तो चीजें साफ नहीं हो पाएंगी, चीजें ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर, क्योंकि काफी दिनों से प्रद्युम्न 65 दिन हो चुके हैं, 65 दिनों से यही बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर कब बोलेंगे, क्योंकि कृषि मंत्री तो डायरेक्ट डायलॉग कर रहे हैं लेकिन उससे अभी तक कोई हल नहीं निकला है। एक और चीज कई लोग इस बात पर भी जिक्र कर रहे थे काफी दफा कि कृषि मंत्री के पास उतनी पावर्स शायद नहीं है। वो बैठक में आते हैं, बातचीत करते हैं, वार्ताओं में शामिल होते हैं, लेकिन उनके पास जो लास्ट डिसीजन लेने की जो पावर है वो शायद उनके हाथों में नहीं है, कि वो जो है वो अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। तो किसान लगातार इस बात को भी जिक्र करते थे कि जब हम वार्ता करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है वहां पर मौजूद रहते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन लेने की पावर मेकिंग उनके पास नहीं है। तो ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह चीज साफ की है कि बातचीत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कानूनों पर एक कदम भी पीछे नहीं हटा जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव दिए गए हैं, उस पर आप बातचीत करिए, उस पर आप सोच विचार करिए, और उसके साथ ही आपकी तरफ से कोई संशोधन की बात है तो वो आप भी रखिए। तो बातचीत दोनों तरफ से हो सकती है, संशोधन पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। कहीं से भी सरकार ने इस चीज को साफ कर दिया कि वो अपनी हट पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी के बाद से जिस तरीके से पूरे देश का जो मूड बदला था, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर उसके बड़ा झटका लगा था। देश का मूड ये हो गया था कि अब किसान आंदोलन को समाप्त हो जाना चाहिए, और ग्राउंड से भी तस्वीरें इसी तरह की आ रही थी। आपने गाजीपुर बॉर्डर पर देखा, आपने सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें देखी,
वहां पर जिस तरीके से स्थानीय लोग पहुंचते हैं और वहां पर जिस तरीके से जो टकराव की स्थिति बन जाती है, उससे ऐसा लग रहा था कि अब शायद प्रशासन कोई बड़ा रुख अख्तियार करते हुए वहां पर कड़ा एक्शन ले सकता है जिससे आंदोलन को समेटा जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कि कहा कि बातचीत होगी, इससे दूसरी जो चीज समझ सकते हैं आप वो ये है कि अब दबाव नहीं बनाया जाएगा प्रशासन की तरफ से, ऐसा नहीं किया जाएगा कि जबरदस्ती उस एरिया को खाली कराया जाए, जैसे कि हमको बीते दिनों लगा था जब ऐसा सुनने में आया था, कथित बातें बताई गई थी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से ऑर्डर्स निकाले गए हैं कि आंदोलन को खत्म कराया जाए, ये डीएम को ऑर्डर्स दिए गए थे। लेकिन अब जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कह दी है कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, अभी भी बातचीत हो सकती है, वो सिर्फ एक फोन कॉल दूर है किसानों से, तो ऐसे में ये चीज तो साफ हो गई कि आंदोलन जो चल रहा है अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से चलता है तो वो चलता रहेगा, उस पर किसी भी तरीके से सरकार अब दबाव नहीं बनाएगी, इस चीज को भी समझा जा सकता है प्रद्युम्न। तो ऐसे में अब देखना बहुत अहम हो जाता है कि किसान नेता, जैसा कि आपने अभी बताया हमारे दर्शकों को कि राकेश टिकैत ने इसका स्वागत किया है, अब राकेश टिकैत ने स्वागत किया है तो जो सिंघू बॉर्डर पे जो और संगठन बैठे हुए हैं अगर वो लोग भी इसका स्वागत कर लेते हैं, किसान मंच के जितने नेता हैं अगर स्वागत करते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, और ऐसा हम चाहते हैं भविष्य में कि डायलॉग से जो है चीजें साफ हो, किसान भी अपने घर वापस जा सके, क्योंकि देखिए किसान यहां पर डटे हुए हैं उससे उनको तो परेशानियां हो ही रही हैं, क्योंकि 65 दिनों से अब घर छोड़कर यहां सीमाओं पर बैठे हुए हैं तो आपको तो परेशानी है ही है। इसके साथ ही जो लोग वहां से निकलते हैं, जिनका रोजमर्रा का काम है, जिनको ऑफिस जाना होता है, दफ्तर पहुंचना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, उनको भी तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो लोग भी सब्र का जो बांध है वो टूटता नजर आ रहा है, वो लोग भी अब इनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर आ गए हैं। तो हम ऐसी तस्वीरें तो बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे जहां अन्नदाता के खिलाफ एक आम आदमी आकर खड़ा हो जाए। तो ऐसे जब टकराव की स्थिति बनती है, क्योंकि देखिए एक जो और आदमी है जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी अपने दफ्तर जा रहे हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो अगर ऐसे में उनके रास्ते में ये जो आंदोलन है ये अगर उनके रास्ते में आता है, उनकी चीजों में परेशानियां खड़ी करता है, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक दिन सब्र का बांध जरूर टूटेगा। तो ऐसे में किसान परेशान है, आम लोग जो स्थानीय जो लोग हैं वो भी परेशान है, और सरकार भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंशन बरकरार रहती है, क्योंकि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, सुरक्षा भी मुहैया करानी है। तो ये जो तमाम चीजों की जो परेशानियां हैं इनका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहल की है तो किसानों को भी चाहिए, उनके नेताओं को भी चाहिए कि वो आगे आए, बातचीत करें और कहीं ना कहीं एक मुद्दे पर जाकर, एक स्याही पर जाकर एक साथ दस्तखत करें और एक साथ एग्रीमेंट साइन करते हुए इस चीज को यहीं समाप्त करने की अब घड़ी आ चुकी है। तो ऐसे में अब किसान नेताओं का क्या रुख रहता है, किसान नेता किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, रणनीति क्या होने वाली है, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो इस पर प्रद्युम्न आपकी सोच क्या कहती है, क्योंकि बीते 2 महीने से जिस तरीके से आपने आंदोलन को देखा, बहुत नजदीक से देखा, कवर किया, तो किसान नेताओं से भी आपने बात की और वहीं सरकार के जो लोग थे उनसे भी तमाम नेताओं से आप बातचीत करते रहे, तो आपकी सोच क्या बताती है, दोनों तरफ को आप जानते हैं, दोनों तरफ की जो यहां पर साइकोलॉजी चल रही है उसको भी आप समझते हैं, तो ऐसे में आपका टेक क्या रहेगा इस पर? बिल्कुल, जिस तरीके से जो आंदोलन लगातार चल रहा था ऐसे में जिद की लड़ाई थी, सरकार अपनी जिद को लेकर थी, किसान अपनी जिद को लेकर थे, लेकिन अब सरकार भी झुक रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद बोल देते हैं कि एक कॉल की दूरी है तो उन्होंने साफ तौर पर नहीं बोला लेकिन इशारों में अपनी बात कह दी है, तो वो इशारा अब किसान नेता समझ गए कि प्रधानमंत्री मोदी भी ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले का हल निकले। तो अब किसान नेता अगर समझदारी ये कहते हैं कि समझदारी के साथ चलना चाहिए उनको और अब झुकना चाहिए, क्योंकि अब जब समझौता होगा, बातचीत होगी बेहतर तरीके से होगी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी खुद संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि नरेश टिकैत के यही शब्द थे और राकेश टिकैत के यही शब्द थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संज्ञान लिया है तो हम उनका स्वागत करते हैं और हम बिल्कुल सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी बीते दिनों ये भी खबर आई थी, कुछ ही दिन पहले की बात है, कि जब विपक्षी पार्टियों ने भी आंदोलन में अपना सहयोग देने की पूरी कोशिश की थी और दिया भी था, ऐसे में किसान नेताओं ने उनका स्वागत भी किया था, लेकिन वहां पर अपनी राजनीति रोटी सेकी जा रही थी। लेकिन जब अब ये खबर सामने आती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये चीज़ बोल दी है कि एक कॉल की दूरी है, बात होगी, समझौता होगा, तो अब उस राजनीति का क्या होगा जो विपक्ष बिल्कुल सोच के बैठा था कि किसान के नाम पर यहां पर राजनीति की जाएगी, 2022 भी आ रहा है तो 2022 के लिए किसान के नाम पर अपनी पीठ मजबूत की जाएगी, तो अब उनकी वो पीठ जो है वो टूटती हुई दिख रही है। तो जो असमंजस काफी है, समय महत्वपूर्ण है, अब निर्णय
किसान नेता क्या लेते हैं वो जरूर देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि किसान नेताओं के हाथ में है। अगर अब भी किसान नेता समझौता नहीं करते हैं, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो शायद स्थिति आने वाले समय में इतनी बेहतर नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो समय और कायदे को देखते हुए तो ये किसान नेताओं को निर्णय लेना चाहिए कि जो समझौता अगर बन रहा है, सारी चीज़ें सही सलामत जा रही है, अगर प्रधानमंत्री मोदी भी खुद संज्ञान ले रहे हैं और अगर सब कुछ सही होता है, तो इस आंदोलन को खत्म करें, सभी लोग अपने सुरक्षित घर पर जाएं और जो एमएसपी की लड़ाई लगातार जारी है कि एमएसपी नहीं हटनी चाहिए, उस पर साफ तौर पर अपनी बात रखें। और अगर सरकार इस पर मंजूरी दे देती है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। बिल्कुल, आप आने वाला समय होता है, बीता हुआ समय होता है, तो बीते हुए समय में एक चीज हम लोगों ने देखी कि यहां पर वर्चस्व की लड़ाई थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। किसान नेता जो है उसको कहीं ना कहीं अपने ईगो पे ले चुके हैं, जैसा कि राकेश टिकैत के मामले में आप सभी ने देखा, तस्वीरें आप सबने देखी कि एक शाम तक वो कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, और उसी समय उससे थोड़े देर पहले तक उनके बड़े भाई नरेश टिकैत जो अपने पैतृक गांव से, अपने मुजफ्फरनगर से, वो लगातार कह रहे थे कि अब आंदोलन को ठहराव की जरूरत है, अब आंदोलन को समाप्त हो जाना चाहिए, लोगों को वापस घर आ जाना चाहिए। उसी के साथ उनके जो साथी गुट थे, बीकेयू भानु की बात करूं, यहां पर किसान मजदूर संगठन की बात करूं, इन्होंने भी आंदोलन से हाथ खींच लिए थे। तो ऐसा लग रहा था कि आंदोलन जो है वो अब समाप्त होने की स्थिति में आ गया है, लेकिन शाम होते होते तस्वीरें बदल जाती हैं। राकेश टिकैत के रोने का जो वीडियो था वो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है, और वीडियो वायरल होते ही वो जो वीडियो घर तक जब उनके पहुंचता है तो वहां से हजारों की टुकड़ी में रात में ही लोग निकल पड़ते हैं। तो ऐसे में जब तस्वीरें बदल जाती हैं तो प्रशासन भी पीछे हट जाता है, प्रशासन वहां से पीछे हटा, आंदोलन में यहां नहीं जान आ गई, ना ही ऊर्जा आ गई। इसके बाद अब सरकार एक कदम आगे बढ़ाकर पहल करने की कोशिश कर रही है, वो बता रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो बता रही है कि किसान नेताओं से वो सीधा संवाद करने के मूड में है, वो बता रही है कि 26 जनवरी के बाद से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीजें खराब हो गई है, वो बता रही है कि 26 जनवरी को जो पूरी हिंसा हुई, जो पूरी घटना हुई, वो कानून का विषय है, वो बता रही है कि ये जो पूरा मैटर हुआ था 26 जनवरी के दिन, इस पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन सरकार का जो काम है वो सरकार करेगी, किसानों का जो काम है वो किसानों को करना चाहिए, किसान नेताओं को टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अब जैसा कि हर प्रक्रिया के बाद होता है, हर प्रतिक्रिया का एक और प्रतिक्रिया आती है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह बड़ा बयान दिया उसके बाद बाकी विपक्ष के जो नेता हैं, जो विपक्ष उनको घेरने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई कि एक तरफ तो सरकार बिजली पानी रोक रही है, दूसरी तरफ बैठकर बात करने की बात कर रही है। तो ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे को काउंटर कर रही है कि आप सीज फायर की भी बात कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ से प्रशासन का डंडा भी चलाना चाहते हैं, तो इस तरीके की बात भी निकलकर सामने आ रही है। प्रद्युम्न, इस तरीके की जब बातचीत आती है तो इस चीज को समझना बहुत अहम है। जैसा कि मैं यहां पर बता रहा था कि स्वराज पार्टी, स्वराज के जो योगेंद्र यादव है, वो मुखर होकर कह रहे हैं कि आप एक तरफ तो डंडा चलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि टेबल पर बैठ के बात हो, तो ऐसे दो चीजें एक साथ समानांतर रूप से नहीं चल सकती। तो अब फिलहाल जब प्रधानमंत्री मोदी ने ही आगे बढ़कर पहल कर दी है, तो किसान नेताओं को चाहिए कि वो भी आगे बढ़े और पहल करें, क्योंकि आंदोलन को बहुत लंबा समय बीत चुका है और अभी तक एक अंतिम फैसले पर जाकर दोनों पक्ष नहीं रुक सके हैं। तो अब जब सबसे टॉप हायरार्की, आप सरकार की बात करते हैं, तो सरकार जहां से शुरू होती है, अगर वही व्यक्ति अगर आपके सामने आकर ये कह रहा है कि एक फोन कॉल की दूरी है, इस लाइन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे बातें छिपी हुई हैं। बिल्कुल, तो जब प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कह रहे हैं कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, हम आपके सामने हैं, हम बिल्कुल भी आपसे मुंह नहीं मोड़ा है, नजरें टेढ़ी नहीं की है, बातचीत अभी भी जारी रहेगी, टेबल पर बात होगी, प्रस्ताव वैसे के वैसे है, ऑफर आपके सामने, वही सब कुछ है। तो फिलहाल के लिए आज की पेशकश में बस इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ, धन्यवाद।